हिमाचल प्रदेश, हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा ये छोटा सा राज्य रसीले सेबों का बड़ा उत्पादक है। यहाँ करीब 8 से 10 हजार फीट की ऊंचाई पर लाल लाल सेबों से लदे बागीचों से नजरें नहीं हटती। लाल सेब जिन्हें रॉयल सेब और हरे सेब जिन्हें गोल्डन सेब के नाम से जाना जाता है, यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। लेकिन इन खूबसूरत सेबों के पीछे छिपी है यहाँ के सेब उत्पादकों की जद्दोजहद। हम इसकी बीज जो है सेब का उपनिधि तैयार करके उसमें उगाते हैं। एक साल उगने के बाद वो उग जाएगा, दूसरी साल हम उसमें कलम करेंगे। कलम कर में ये है कि जैसे ये सेब है, रॉयल है, रेड है, जो भी है, उस तरीके हम उस बगीचे टहनी काट के उसकी कलम कर देते हैं। उस कलम करने के बाद हम तीसरी साल उस बगीचे को हम गड्ढा खोद के उसमें क्या कहते लगा लेते हैं अलग अलग दूरी पर पेड़। जो गोल्डन है इसमें रस ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा मीठा है, जबकि रॉयल है ये देखने में बहुत सुंदर है, लाल है, पर इसमें रस गोल्डन के मुकाबले कम है। पिछले करीब एक दशक से कश्मीरी सेब के उत्पादन में आई कमी की काफी हद तक भरपाई आज हिमाचल प्रदेश से ही हो रही है, लेकिन कई तरह की परेशानियां इन्हें लगातार परेशान कर रही हैं, मसलन उपज में कमी और माइट। उपज कुछ कम होती जा रही है, वो इसलिए क्योंकि एक तो फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, उसकी वजह से मिट्टी में फर्टिलाइजेशन जो है ना वो कुछ घटती जा रही है। अब हमारे जो नेचुरल यहाँ पे मैन्यूरिंग थी वो कम होती जा रही है, गोबर जैसे, उसकी वजह से ये कुछ कम देखने में आ रही है। इसमें पहले वो जो वुडन जो है काफ़ी सस्ता मिलता था यहाँ पे, तो उस वजह से लोग वुडन में करते थे। फिर मौसम भी रेनी मौसम होता था, बारिशें वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी, तो उस टाइम वुडन ही ज़्यादा चलता था। अब थोड़ा ये चेंज हो गया कि गत्ता भी थोड़ा चीप हो गया और इसमें फैंसी पैकिंग भी अच्छी देखने को भी अच्छी लगती है, तो इस हिसाब से हम समझते हैं कि ये जो वुडन जो में जो है, वुडन के अलावा गत्ते में जो है ये ज़्यादा अच्छा है, मतलब इससे रेट भी ज़्यादा अच्छा मिलता है हमें। यहाँ के सेब उत्पादक इस बात को लेकर काफी चौकन्ने हो गए हैं कि देश में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के सेबों ने थावा बोल दिया है। नहीं, इसमें ऐसा है कि बाहर का सेब आने से हमें और फर्क भी पड़ा कि उनका 90 रुपए किलो बिक रहा है, तो हमारे सेब का भी वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है और हमें क्वालिटी जो है ज़्यादा इम्प्रूव करके भेजना पड़ रहा है। बाकी उनका जो सेब है वो लोगों की वैसे धारणा है इतना अच्छा सेब नहीं है वहाँ का, और इतनी दूर से मतलब इम्पोर्ट करना है तो वो ख़राब भी हो जाता है, फिर उसमें वो फ्रिज में रखा होता है, मतलब कोल्ड स्टोरेज में रखा होता है, तो वो फ्रेश सेब नहीं होता है। वो बागान से बाहर भेजने के लिए सेबों की ढुलाई के साथ ही महत्वपूर्ण हो जाती है भूमिका उन व्यापारियों की जो इन्हें बाजारों तक पहुंचाते हैं। इस प्रक्रिया में उत्पादकों की भी मदद ली जाती है। इनका एक सोसाइटी होता है, कहीं फॉरवर्डिंग होते हैं तो इनका कॉन्टेक्ट फॉरवर्डिंग से होता है, ये ट्रे वगैरह कुछ फॉरवर्डिंग से भी इनको मिलता है, तो ये पैकिंग करते हैं, फिर इनका माल वो फॉरवर्डिंग के थ्रू वो लोग ट्रक लाते हैं, फिर उस पर भेजते हैं। कई कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ फॉरवर्डिंग इस तरह का काम नहीं कर पाते, ट्रक वाले को नहीं ला पाते हैं, तो उस जगह में फिर हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो हम लोग अपने ट्रांसपोर्ट से कॉन्टैक्ट रखते हैं, फिर हम लोग ट्रक लाते हैं, ट्रक में इनका माल लोड करवा के कलकत्ता भिजवाते हैं। माल की ट्रकों पर लदाई के साथ ही वो किस्सा खत्म होता है जो ताजे ताजे रसीले सेबों के बागीचों से डिब्बा बंद होने तक का है, लेकिन नहीं रुकता है वो सफर जो शुरू होता है हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों से और पहुंचता है हमारे आपके डाइनिंग टेबल तक। जी हाँ, वो है लाल लाल रॉयल सेब और हरे हरे गोल्डन सेब।